तीन वर्ष धरी राज्य रे पौर निर्वाचन नकरिबा एक विराट समस्या। निर्वाचन कमिशन भली गोटे संवैधानिक संस्था राज्य सरकार चापरे संविधान सहित प्रतारणा करिवे ये कथा संपूर्ण अविश्वसनीय। आमे निर्वाचन कमिशन को ये जो आवेदनकारी माने अच्छा दरखास्त देले केते गुड़िए राजनीतिक दल तरफर मध्य अनुरोध करागला, राज्यपाल महोदय को अवगत करागला, मान्यवर राज्यपाल मध्य निर्वाचन कमिशन को तागिदा कले जे तीन वर्ष धरी संवैधानिक विधि व्यवस्था को भंग करी राज्य रे निर्वाचन काहीकि हेई नाही। तेणु निर्वाचन कमिशन सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार हाई कोर्ट को निजे आसीबा कथा एडिट करिबा पई जदि सरकार तांकु सहयोग करूनाहंती बोली से भावुचंती। ए कथा मध्य आमे निर्वाचन कमिशन को जणैथिलु, जणे आवेदनकारी समीर दे पूर्वतन मंत्री, आउ जणे आवेदनकारी होउचंती पूर्वतन प्रशासक वरिष्ठ प्रशासक प्रसन्न मिश्र, एवं तृतीय आवेदनकारी होउचंती पुरी विधायक जयंत षडंगी। तीनोटी जाक रिट दरखास्तर आज एनालोगस हियरिंग होता मान्यवर मुख्य विचारपति डॉक्टर एस मुरलीधर एवं जस्टिस राउतराय इजलास। आज कोर्ट मुख्य निर्वाचन कमिशन, राज्य निर्वाचन कमिशन, मुख्य शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग सचिव एवं नगर उन्नयन विभाग सचिव को कैफत तलब कर चार सप्ताह मध्य जवाब दाखल करने निर्देश देते। यदि आप देखिए 114 पौर संस्थार कार्यकाल पूरला सेप्टेम्बर मस 2018 मसीह संविधान आर्टिकल 253 यूर व्यवस्था अनुजाई निर्वाचन कमिशन जे कि संविधान द्वारा सृष्टि होती आर्टिकल 243 के से 5 वर्ष कार्यकाल नपूरवा पूर्व निर्वाचन को बाध्य। निर्वाचन कमिशन गुरुतर भावे निजर संवैधानिक दायित्व कर्तव्य अवहेला करचंती, सरकार को चापे निर्वाचन करूनाहंती, शासक दल को जहाँ सुहाइब से भली भावे गोटे कठपुतुली भावे कार्य करचंती। एक आज आम मान्यवर कोर्ट दृष्टि को आनी।